हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आज मेरा बर्थडे है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपसे रोज रोज ब्लॉग बनाऊंगा, और हाँ ये वादा मैंने ठीक किया था कि मैं रोज रोज ब्लॉग बनाऊंगा। पता चले किसी दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला और मेरा अपने सन का मुंह हो गया। तो मैंने ना मम्मी को क्या बोला था कि 4 जुलाई के दिन ना कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को डांटना मत, और मैं जो जो करूँ उसको मैं सहमति देते रहना, मतलब ठीक है जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, ठीक है ऐसा। तो मैंने बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी सुबह मेरे को कड़ी चावल खाना है, ठीक है। तो मम्मी वो ही बना रही है अभी, और रात में केक कटेगा नहीं कटेगा, केक कटवाना भी नहीं, केक आ जाएगा तो खा भी लूंगा। मैं अपने ना बालकनी में वीडियो बना रहा हूँ और सामने से लोग देख रहे हैं कि ये कैमरे से क्यों बात कर रहा है, तो छोड़ना, मुझे थोड़ा रिश्तेदारी बनानी है उनसे। मम्मी कड़ी बनाते हुए बना, अरे शाम का क्या प्लान है? आलू का पूरी, आलू उबाल के रख दी। यस, तो मैंने ना मम्मी को ये भी बोला था कि सुबह में कढ़ी चावल होना चाहिए और रात में आलू के पूरी होबा के चाहिए। तो बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है अभी। ओला नहीं, अरे बाप रे ओला बोल रहा हूँ। बारिश का जब वो होता है ना फुहारे, मेरे मुंह पे पड़ रहा है और कैमरे पे भी पड़ रहा है। तो थोड़ी देर बाद ब्लॉग बनाएंगे हम लोग। और ये वो पौधे हैं जो मैं रोड साइड नर्सरी से लाया था, और ये मैं अपने दूसरे अपार्टमेंट से लाया था जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो मेरे को ज्यादा वहाँ पे लग रहे थे इसलिए मैंने इस घर में ले आए ये वाला। और ये पुदीना है जो मैं लेके आया था, और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन अच्छा लग रहा था, मैंने उठा लिया। चंपा या चमेली आता कुछ बोलते हैं इसको। इतना बारिश हो रहा है, बाप रे, मतलब बारिश का नजारा देखिए। आज मेरा बर्थडे है तो बारिश हो भी किया। आज मैं कुछ बाहर निकलते कि कुछ खरीदारी वरदारी करता बढ़िया कुछ, लेकिन नहीं, बारिश ने पूरा रोक दिया। आज तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मौसम कर दिया बहुत ठंडा, बारिश हो रही। अरे बहुत ठंडा तो कर दिया लेकिन इससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ ना, है ना, हमको फायदा है तेरे को नहीं है। तो दोस्तों सनी हो गया है पूरे 17 साल का, और 17 साल में उसको 17 मुक्के ना पड़े ऐसा कैसे चलेगा। तो सनी खुद ही आ गया मुक्के खाने के लिए। तो सनी क्या खाने के लिए झुक जाओ सीधा, 17 मुक्के पड़े मुक्का। यस, क्यों? तो 17 साल का हो चुका है ब्रो। हाँ वैसे हमारे घर में ना रिवाज रहा है, जितना जो साल का होता है उतना मुक्का पड़ता है। तो चल मैं झुक के रहना होगा मेरे आगे। हाँ लेकिन अभी तू झुक। अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सात हो। अगर सात हो मैंने ऐसे उल्टा मारा तो कितना चोट लगेगा तेरे को। कि कहाँ पे था मैं अभी? शुरुआत नहीं, शुरुआत हो गया नहीं, शुरुआत से करते हैं। ब्लॉक करके देख ले कितना क्या मारा। चलो भाई ठीक है। 11 12 13 14 15 15 के आगे क्या होता है? अरे भूल गया, चलो शुरू से करते हैं एक बार। 16 और लास्ट आवरा कटावरा 1 2 3 कैसा लगा तेरी? यू फीलिंग बेटर नाउ काला आ गया मेरे आगे। अरे शिट, मैंने तो ये रिकॉर्ड किया ही नहीं, दोबारा सदर मुके खा जा। नहीं रुक जा, काला आ गया। बहुत तेज मार दिया था कोहनी तूने। कोहनी मारा था क्या? रे क्या कर गया है तू? पूरे पसीना पसीना हो गया रे। अरे मैं क्या बोल रहा था कि मैंने शाम का वक्त हो गया था, ठीक है, तो मैं बैडमिंटन खेलने गया था। तो आज ना मेरे को कंपटीशन लगे भाई, मैं जीतूंगा कि तू जीतेगा, जो भी फल्ला आदमी था ओपोनेंट में। तो मैं जीत के आया हूँ देखो। मतलब इतना पानी ढार के आया है तू रे? नहीं मेरा मेहनत था इतना। यस, इतना जो पढ़ने में मेहनत हो तो। अरे उस सबसे कुछ नहीं होता, छोड़ो ना। अच्छा छोड़ो ना, सबसे ज्यादा पीछे है वो। अभी हाथ पांव गंदा है तो मुंह हाथ धो करके टी शर्ट खोलो पहले। हाँ, हाँ। मुंह हाथ धो फिर दूसरा पहनो। मैं क्या बोल रहा था कि अभी शाम का क्या प्लान है? शाम का बस दीदी पापा लोग आ जाए, कुछ खाना बढ़िया मंगाएंगे। तुम्हारा फेवरेट मैं बना रही हूँ। अच्छा बना रहे हो क्या? ठीक है जी। चले थे, मैं ना एकदम तैयार हो गया हूँ, बहुत पसीना था सही में, मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग गया था अपने ही पसीना से, ठीक है। तो अभी क्या बना रही हो मम्मी? ओ माय गॉड, ये देखिए आलू का पूरी बन रहा है। मजा आएगा। मम्मी खीर बन गया है, ढका हुआ है।
झूठ कितना बोलती है ना। मैंने याद दिलाया मम्मी खीर बना देना जी, अभी बनाए के मम्मी थोड़ी देर में खीर। और मम्मी को एक पार्सल आया था क्या? हाँ नीचे हैदराबाद के पास। ओके जाओ भैया उसको। ठीक है जी, गार्डन के लिए बात अपना, हमने ना गार्डन के बोल दिया जो भी कोई कुरियर आएगा ना तो आप वहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। और बाई चांस अगर हम हुए तब तो खुदा के नीचे ले लेंगे, नहीं हुए तो वो रख लेते हैं और हमें दे जाते हैं। उनको क्यों कष्ट देंगे कि वो नीचे से ऊपर आएंगे देंगे, तो मैं ही चले जाता हूँ। आज पूरा पानी बरसा है, पूरा इतना ज्यादा बारिश हुआ था ना, मैं तो यही सोच रहा था कहाँ से पानी इतना आया होगा, सारा एकदम पैक्ड है, सारा पैक्ड है ना, कहाँ से पानी इतना आ गया। लेकिन गुरकते 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 इतना यहाँ पे आ जाता है। मैंने अभी अंकल को जाके क्या बोलूंगा कि अंकल जी पार्सल दे दीजिए, तो अंकल का क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं अभी। अंकल जी पार्सल दे दीजिए। हैप्पी बर्थडे करना। थैंक यू सो मच अंकल, मेरा बर्थडे आज। आशीर्वाद देते हैं हम आपको, आपको हमारी उम्र लगे। अरे नहीं रे, आज मेरा बर्थडे अंकल, आप क्या बोलना चाहते हैं मेरे को? हैप्पी बर्थडे टू यू अयाची ठाकुर। हैप्पी बर्थडे अयाची ठाकुर। अंकल लोग ने अच्छे से विश कर दिया, अंकल आशीर्वाद ही दीजिए मुझे। तो अंकल जी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मेरे को अलग सा ही फील होने लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मेरे को ना बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। ठीक है, अभी आलू का पूरी मम्मी जो बना रही है ना और खीर जो खाऊंगा तो और मजा आएगा। मम्मी जी गेट खोल दीजिए। भाई साहब मेरे को आदत पड़ गई उस चीज की, मम्मी गेट खोलिए। इसमें क्या आया देखते हैं, अभी मैंने देखा नहीं था तब तो। अच्छा ओए, मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, अयाची। इसमें केक है बहुत बढ़िया था। तो ये आया है स्क्विस्टो, क्या नाम है, मैं स्क्विस्टो किचन से आया हुआ है ये आना। तो थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा केक लगा मुझे, अभी मैं आलू पूरी और खीर के साथ इसको साथ में खाऊंगा ये। कैसा लग रहा हूँ मैं, आज दोपहर में भी एक केक आया था, अभी शाम। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं ऐसे पहनूं, छोड़ो इसको। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक दोपहर में भी केक आ गया था जिन्हें ने भिजवाया था, और शाम में भी केक आ गया जो दीदी ने भिजवाया था, स्क्विस्टो किचन जो पास्ता वास्ता भेजती है ना, आपको भी पता है ब्लॉग में देखा होगा आपने, बहुत अच्छा पास्ता होता है, वहां से आया है केक। ठीक है, अब इसको मैं खाऊंगा बढ़िया से। मेरे को भाई साहब पूरा पानी आने लग रहा है मुंह में। बर्थडे मेरा है लेकिन चावल का चावल का डब्बा होता है, किधर है चावल का डब्बा? सबसे ऊपर होगा वो रहा स्टील का। ओह माय गॉड, ये वाला चावल का डिब्बा है, वरना मैं छोड़ मम्मी से। कितना किलो इसमें? इसमें पता नहीं 5 किलो ऐसा है। नहीं ज्यादा है, देख लीजिए ये तोवा जल रहा है इसके चक्कर में। आप क्या करना बताइए ना। तो मैं क्या बोला था ना, मैं ना किचन से सब छोड़ छाड़ कर भाग गया, अगर मैं 5 मिनट और रुक जाता ना किचन में, मैं सारा आलू का पूरी भी मेरे को ही बनाना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैं सबसे छोड़ छाड़ कर भाग गया हूँ। अब थोड़ा सा मोबाइल चला लूंगा, आपने जो विश किया है, और हाँ जिसने भी विश किया है सबको मैं बहुत ज्यादा दिल से देखना समझने, पूरा दिल ही दे रहा हूँ आपको, थैंक यू बोल रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा जिसने भी विश किया है। हाँ एक और चीज मैं बोल रहा था कि ना, मैंने सभी लोग का जितने भी मेरे को मेंशन किया, मैंने सभी लोग को मेंशन बैक किया, लेकिन जो प्राइवेट आईडी वाले थे ना जिनका अकाउंट प्राइवेट था, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई आपने सबका किया, मेरा क्यों नहीं किया। तो मेरा क्यों नहीं किया इसका वजह है कि आपका आईडी प्राइवेट है, मुझे शो ही नहीं हुआ आपका स्टोरी। भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मेरा फायदा कुछ दिखाई नहीं मुझे इसीलिए। लेकिन हाँ प्राइवेट आईडी वाले जिसने भी मेरे को मतलब वो हैप्पी बर्थडे विश किया था, दिल से प्यार, बहुत ज्यादा थैंक यू, आशीर्वाद दे दीजिएगा पूरा बढ़िया वाला। और आज सावन का पहला दिन है, ये 4 जुलाई से सावन का पहला दिन शुरू हुआ, मतलब जो लकी डे है ना आज। तो रात में सोने टाइम में ना महादेव जी को मैं इतना सोचूंगा कि सपने में भी महादेव ही महादेव होंगे, हर हर महादेव। ठीक है, तो आज सावन का पहला दिन था, सभी लोग को हर हर महादेव, श्रावण मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुझे अब जाके पता चल रहा है जो केक है ना वो दीदी ने खुद ऑर्डर किया और एक अपने आप आया है चल के। ठीक है,
ठीक है, तो पहले दीदी वाला काट दे, फिर जो चल के आया है उसको काटते हैं। गाओ। लो दीदी खाओ। अरे नहीं के बात है दीदी, खाओ ना दीदी, के बात है क्यों अभी भी हो गया ना। बताए हम लोग भैया, मतलब मुझे थोड़ा है कि झूठा नहीं खाता मैं बिल्कुल भी, और कोई के कर खिला देते मेरे को उल्टी अलग डाट हो जाता है, तो मैं कभी यहाँ से खाऊंगा नहीं। ये रख दिया, और जिसने भी मुझे बहुत अच्छे से विश किया, हैप्पी बर्थडे विश किया, प्राइवेट आईडी वाले जिसने भी विश किया ना भाई साहब, और बोलते हैं मेरे को कि आपने मेंशन बैक क्यों नहीं किया, तो आपका प्राइवेट था भाई अकाउंट में, कैसे करता। लेकिन उनको भी ढेर सारा प्यार आप मुझे दीजिए, मैं भी आपको देता हूँ। अरे तो दीदी लोग को खिलाओ दीदी।